म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए, नहीं उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। अगर कोई गाना बना रहा है चार बोतल वोडका काम में। सो राइट गाइज, आज भी मेरे पास पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारे स्टोरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि मैं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से आप लोग अपडेटेड रखता हूं। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे हिप हॉप कम्युनिटी, नॉट ए यूट्यूब कम्युनिटी। आई एम श्योर आप लोग शान को जानते होंगे, ही इज ए पॉपुलर आर्टिस्ट एंड हम लोग उनके सॉन्ग को सुनते ही आ रहे हैं। तो रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ आस्क इंडिया चैनल पे, जहां पे वो हिप हॉप कम्युनिटी को टारगेट किए एंड वो बताएं कि रैपर्स लोग कुछ भी गा देते हैं, उनके सॉन्ग में म्यूजिकलिटी भी नहीं होती, इट्स वेरी सिंपल। एंड वो हनी सिंह के सॉन्ग को रिफर भी किए। तो आइए आपको दिखाते वीडियो का छोटा सा क्लिप, एंड आपको फुल वीडियो देखना तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए, नहीं उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। अगर कोई गाना बना रहा है चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का गाना मैंने आप भी गा सकते हो, पानी 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 लुंगी डांस आप भी कर सकते हो। इट इज द सिंपलेस्ट इजीएस्ट म्यूजिक। एंड इस इंटरव्यू के बाद रफ्तार, एमसी स्टैनिका एंड मेनी अदर्स रैपर शान पे एंग्री हो गए एंड वो इस पे रिएक्ट भी किए। तो चलिए मैं सारे रैपर्स का रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर शान ने भी उस पे फाइनल रिएक्ट किए। तो रफ्तार रिएक्ट करते हुए एक है, चलो मान लेते हैं कि हमारे जेनरा में कोई म्यूजिकलिटी नहीं है, पर जिनको परेशानी है उनके जेनरा में कोई कहानी नहीं है, सब हमारे जैसे लेखक की लिखी हुई हैज फैक्ट्स, वी आर हेयर टू स्टे, अड़ियल समाज हम रैपर्स की, BMM मूव ड्रामा और माई पॉप सॉन्ग्स, मैंने इन्हें कभी रैप नहीं बोला, बट आई अंडरस्टैंड, असली दिक्कत ये है कि हमने कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर का वेट नहीं किया कि वो हमें गाने देंगे और हम गाएंगे, हमने अपने गाना खुद ही बना लिए और शायद इसीलिए उनको ये पॉप सॉन्ग रैप लगते हैं। देन उन्होंने फिर अपने स्टोरी में ये वीडियो को पोस्ट किए। दुनिया सुंदर है, खुश रहो, सारे म्यूजिक जॉनर बढ़िया है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सब करना मुश्किल है, हमसे उनका काम नहीं हो पाएगा और उनसे हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेट्स पे ईच अदर दैट ड्यू रिस्पेक्ट, बस यही है मैन, वी लव म्यूजिक। एंड वो लास्टली कहें, किसी का दिल दुखाओ तो माफी, सबको अपना आर्ट बहुत प्यारा है, वी ऑल आर म्यूजिशियन, प्यारी सी दुनिया है, खुश जिलो यार। तो चलिए अब इस पे आपको इमीवे का रिएक्शन दिखाते हैं। शान भाई पकड़ो अपने कान भाई, रैप सीन को देख के क्यों हो रहे हैं परेशान भाई, म्यूजिकलिटी के साथ हम पेश कर ले रियलिटी, एड़े चले बिल्कुल ने, बेटर आस्क फॉर एपोलॉजी, हैज हिप हॉप हैज रैप सीन्स हैव टास्क ओवर हैज म्यूजिक, यू लॉस्ट द रिस्पेक्ट विच यू गोट, हिप हॉप कम्युनिटी मजाक नहीं है, लर्न टू अप्रिशिएट एवरी जेनर, समझ में आया क्या? तो इस पे एक का रिएक्ट करते हुए एक है, पाजी हम आपके फैन थे पर आपका ऐसा बोलना सही नहीं लगा, एक बार भाई आप बना के देखो ये गाने। देन इस पे MC स्टे ने भी रिएक्ट करते अपने स्टोरी में एक पोस्ट किया, रमजान चालू हो भाई, नहीं तो डिस FM टेकिंग बोर्ड, हिप हॉप कल्चर एड़े चाले करो भी मत। एंड बहुत सारे रैपर्स लोग इनके अगेंस्ट बोलने लगे, तब इन्होंने फाइनल ट्वीट करके ये कहा, आई वॉज जस्ट मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ द सिंपलर द म्यूजिक द मोर सॉन्ग कैचेज ऑन विद द जनरल लिसनर, नो पर्सनल अटैक ऑन एनीवन, माय सन प्रोड्यूसेस रैप म्यूजिक हैज सिटी मॉल, व्हाई शुड आई रिड्यूकल द जेनर। देन उन्होंने बताया कि उनको रैप सॉन्ग से कोई भी हिट नहीं है, उनके जो बेटे हैं वो खुद रैप सॉन्ग करते हैं, एंड वो बताए लोगों ने उनका फुल इंटरव्यू नहीं दिया, एंड वो कहे कि वीडियो कहीं कहीं से लोग देखे और उसको गलत वे में रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि वो फुल इंटरव्यू में बताया कि उनको रैप सॉन्ग से कोई भी हिट नहीं है। देन आपको अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा समीर मार्क वर्सेस इलविस यादव की कंट्रोवर्सी की, देन दोनों की कंट्रोवर्सी बीच में शांत हो गई थी, बट कल समीर मार्क ने इसके रिगार्डिंग अपने इंस्टा के स्टोरी में पोस्ट करते हुए एक है, मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो तो अपने कदम पीछे लेता हूं, इसलिए वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी से बहुत लोगों पर इफेक्ट पड़ता, मेरी फैमिली पर इफेक्ट पड़ता, बस कोई सवाल नहीं। तो इसका रिप्लाई करते हुए इलविस यादव अपने इंस्टा का स्टोरी में एक पोस्ट किए, वैसे कोई 10 तारीख को वीडियो डालने वाला था, 2022 में वीडियो डाल दियो भाई, तब तक शायद बना पाए, जय श्री राम। देन फिर उन्होंने एक और स्टोरी को पोस्ट किए, सारी चीज आ गई, बस एक चीज ना आई यार समीर भाई, सीधा सीधा बोल, बस एक बार बोल दो स्टोरी डाल के, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मां कसम कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहता, देख लिया यार एक, मतलब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था, कुछ तो लाइव आ गई समीर भाई की, उसकी छपरी दोस्त थी, वो छपरी उसका साड़ी का नाम भी ना पता मुझे, ब्राउन बाल थे इतना याद है, तो सब ठीक था, बस उसकी शक्ल देख के मुझे छो आ गया, इसलिए मैंने स्टोरी यार ऐसे जिक्र मारे जाओ साड़े ना मारे जाओ, पर है भी तो नहीं ना भाई मेरे सामने हो। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।